दिल्ली विधानसभा में चुनाव की तैयारी चल रही है। सभी उम्मीदवार अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए हैं ताकि पार्टी आलाकमान उन पर ध्यान दे। लेकिन 19 सितंबर को यहां हुए एक घटनाक्रम ने एक उम्मीदवार की उम्मीदवारी खत्म करवा दी, साथ ही उसका पद भी छिनवा दिया। प्रकाश जावड़ेकर ने बीजेपी कार्यालय में बैठक बुलाई थी और इसी बैठक के बाद महरौली बीजेपी अध्यक्ष आजाद सिंह ने अपनी पत्नी सरिता चौधरी को कार्यालय के बाहर थप्पड़ जड़ दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच काफी समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है और जब बैठक के बाद दोनों बाहर निकले तो आजाद सिंह ने सरिता को थप्पड़ जड़ दिया। सरिता ने तुरंत इस बात की सूचना डायल 100 को दी और पुलिस को बताया कि आजाद सिंह ने उन्हें अपशब्द कहे और मारपीट भी की। इस घटना की वीडियो वायरल हो रही है और ये भी बताया जा रहा है कि जब ये सारा घटनाक्रम हुआ तब प्रकाश जावड़ेकर वहां मौजूद थे। आजाद सिंह की इस हरकत के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तत्काल आजाद सिंह की अध्यक्षता छीन ली और उनकी जगह विकास तंवर को महरौली बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। बता दें कि सरिता मेयर रह चुकी हैं और स्थानीय कार्यकर्ता सरिता को उम्मीदवार के तौर पर मैदान में लाना चाहते थे, लेकिन इसी बीच ये थप्पड़ कांड हो गया। आजाद सिंह की अध्यक्षता भी चली गई है। अब देखना ये है कि थप्पड़ कांड दिल्ली की विधानसभा के चुनावी घमासान में क्या रंग दिखाता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।